मिशन शक्ति अभियान के तहत गुरुवार को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक पी के तिवारी की अध्यक्षता में कचहरी बस स्टेशन पर जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि जिलाधिकारी के विजय पांडियन, CDO इंद्रजीत सिंह, संभागीय परिवहन अधिकारी अनिता सिंह, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक राप्ती नगर डिपो परशुराम पांडे, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक गोरखपुर के तिवारी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी श्यामलाल के अलावा अन्य महिला कर्मचारी और परिवहन विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शारदीय नवरात्र में चैत्र नवरात्र तक मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें नारी सुरक्षा, नारी सम्मान एवं नारी स्वावलंबन के तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिसके तहत जिलाधिकारी ने महिलाओं को उनके अधिकार के संबंध में बताते हुए कहा कि महिलाओं को पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की जरूरत है। उन्होंने महिलाओं से अपील किया कि अपने अधिकार के लिए पीछे ना हटे और उसके लिए आगे आए। और इस अवसर पर जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी ने महिला परिचालकों को फर्स्ट एड किट का वितरण किया। साथ ही साथ जिलाधिकारी ने मिशन शक्ति नारी सुरक्षा और सम्मान से संबंधित स्टिकर को गाड़ियों पर लगाकर उसे रवाना किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजय पांडियन ने कहा, वजह क्या है उस पर ढूंढ के एक ही निकला है, परिवहन।
तब तक के लड़कियों का सेल्फ स्टार्टर जो गाड़ी का इंजन मिलने लगे, तब से वो गाड़ी चलने लगी, घर से बाहर निकलने लगी। पहले आपको याद होगा तो महिला हमेशा घर से बाहर निकलने के पहले एक को दो बार सोचती है, किसी का ढूंढ भी है अपने शादी का तौर पर, भाई साथ में आ जाए, लड़का आ जाए और कोई तो माँ बाप आ जाए, ताकि मन में थोड़ा भयभीत था। और उसके पहले क्या होता था, साधन संसाधन भी ऐसे था, मान लीजिए पहले बैलगाड़ी होती थी और ऐसे गाड़ी होती थी, वो महिला चला नहीं पाती थी, बहुत मुश्किल था। और वैसे जो तब इंजन शुरू हुआ था, इंजन भी ऐसे था, बहुत मजबूत होता था, उसको की से चलाना होता था, एक आदमी पूरा ताकत लगा करके चलाएगा तब वो थोड़ी देर चलेगी। तो पहले बार आगमन करके एक आदमी ने जो हैंड में स्टार्ट करने वाले छोटी सी इंजन शुरू किए थे, जैसे गिनेटिक होंडा स्कूटी जो भी चीज है, यूरोप में तब हुआ है। उसके अगले 5 साल का अंदर महिला का पार्टिसिपेशन इतने बढ़ गया है, उसके बाद फिर उनको पता चल गया हर महिला को भी तो हमारा परिवहन कितने महत्व है, ताकि घर से बाहर हमें निकल रही है। घर से बाहर निकलने से क्या है, आप बहुत सारे चीज देखते हैं और बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आपके सामने दिखता है, और आप अपने आर्थिक सहयोग के रूप से आपके घर का भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, पढ़ाई लिखाई इलाज जो भी चीज है वो आप स्वलंबित होते हुए काम कर सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ आज का जो आपको विभाग है, किसी के महकमा का आज कार्यक्रम मना रहे हैं, आपको भूमिका बहुत आनी करना चाहिए। मैं भी परिवहन निगम का अडिशनल एमडी के रूप में था, पता नहीं कि तुम लोग जानते नहीं था, मैं जानता हूँ बहुत सारे महिला का परेशानी होती थी, बताती नहीं, मैं तो उसको खुला मौका देता था, उससे पर्सनली जाकर मिलकर बताती है, हम लोग कार्रवाई भी किया था। इसलिए मैं कहता हूँ जो भी चीज आपको लगता है गलत हो रहा है और अस महिला के नाते से आपका कोई परेशानी उठाना पड़ रहा है, जरूर आवाज उठाए, ताकि आवाज केवल अकेले आपके लिए नहीं उठा, आने वाली पूरा महिला पीढ़ी के लिए उठा, जो कितने महिला है सभी लोग का, और यहाँ आने वाले जो कितने औरत है महिला है उनका सुविधा में देख लीजिएगा, बहुत सारे ग्रामीण इलाका से महिला आती है, खासतौर पर यहाँ जो त्योहार के समय में बहुत सारे महिला निकलती है, अभी भी त्योहार का समय है और अपने जो भाई से मिलने के लिए परिवार से मिलने के लिए निकलती है, तो उसमें प्रैक्टिकल छोटी छोटी समस्या होती है। वैसे जो आज को हम लोग शुरू कराने जा रहे, पहले भी शुरू था यहाँ, किसी छोटी सी बच्चे के शौचालय पर्याप्त मात्रा में साफ सुथरी नहीं मिलता है, और कहीं जरूरत है तो नैपकिन नहीं मिलता है, और उनको जरूरत पड़ती सामान है वो नहीं मिलता है। आपका कंट्रीब्यूशन भले छोटी है, पर किसी महिला के लिए बड़ा एक उपचार है और आशीर्वाद के रूप से आप उसका कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और साथ साथ परिवहन को बढ़ावा दीजिए। जैसे आप जो कितने बच्चे हैं घर पे, उनको भी ड्राइविंग सिखा दीजिए, बहुत आसानी चीज है। आजकल तो बहुत सारे सरल गाड़ियां आ गई, 2-व्हीलर 4-व्हीलर सारी चीज, तो महिला बाहर निकलती है, महिला देखते हुए दूसरे महिला निकलती है, ताकि एक सुरक्षा की इंडिकेटर होता है। आप देख सकते हैं किसी भी शहर में जाते हैं कितने महिला का सर दिखता है, उस पर आप गिन सकते हैं कितने वो आजादी पाए हैं। वो हम भी चाहते हैं जल्दी गोरखपुर और प्रदेश भी महिला से भरा हुआ होना चाहिए, सबको है, और केवल एक दिन का बस केवल उपचारिकता ना हो जाए, आपका मर्जी में एक भी छोटी सी बदलाव आप ला सकते हैं। मैं आपके लिए प्रणाम करता हूँ, वो लाए जरूर करके दिखाएं, हम छोटी छोटी करके तो सारे चीज बनता है, पुन से समुद्र बनता है, वैसे ही ईंट से इमारत बनता है। हम सब लोग छोटी छोटी कंट्रीब्यूट करते हैं, किसी दिन जरूर इस पे आगे आने वाले पीढ़ी का, ये जो बीच में जो ये जो दोनों को डिस्क्रिमिनेशन है, जो महिला पुरुष का, महिला क्या कर सकते पुरुष ना क्या कर सकते, दिमाग में सोचना था चाहिए था किसी आदमी, तो महिला तो काफी बेहतर कर सकती है जो भी काम है। वैसे सीडियो साहब ने बताया आप ही लोग संवेदनशीलता लाते हो किसी डिपार्टमेंट, ताकि आप कैसे अप्रोच करते हो ग्राहक से और आम नागरिक से, आपसे हम लोग सीखते हैं, आप जैसे माँ के रूप से कैसे दूसरे आदमी का अप्रोच करते हो वैसे हम लोग भी आपसे सीखते हैं, और ये सिखाना भी चाहिए था, और बाकी लोग से एक प्रेरणादायक रूप से आपको पालन कराना चाहिए था और आगे करके दिखाना चाहिए था। मैं चाहता हूँ इस पे आगे महिला कुछ लोग रोल मॉडल के रूप से उभर के आ जाए, और बिना संकोच का आप मन में जो भी महिला वर्ग के लिए कर सकते हो जरूर करिए। ये भगवान ने अपॉर्चुनिटी दिया, मौका दिया, बहुत लोगों ने बनता 7 लाख जनसंख्या गोरखपुर में है, गिने चुने 60-70 महिलाएं आप लोग परिवहन संभाल रहे, विभाग संभाल रहे, आप कितने बदलाव ला सकते हैं आप विभाग में, उसको जरूर प्रयास करिए, ये मैं आकर्षण करता हूँ। जय हिंद। शक्ति रूपे संस्थिता।
टीसी हो आते हैं छोटी माँ बन गए उचित है घर की मर्यादाओं आज मिशन शक्ति नारी सुरक्षा के तत्वावधान में आयोजित रिस्पेक्टेड टीम सर रिस्पेक्टेड सीनियर रिस्पेक्टेड आरटीओ मैम के कल कमलों से नई दिशा दे दी रहे इसी क्रम में संगीता चौधरी मैम से रिक्वेस्ट है जो हमारी ऑटो एसिस्टेंट एवं यूपी की पहली महिला ऑटो चालक है दोबारा चलाने के लिए कह रहा हूँ परिवहन निगम एवं परिवहन विभाग के द्वारा पैदल सभी से इस क्षण को अभिभूत करें आज सड़क परिवहन निगम महिलाओं की सुरक्षा गोरखपुर में परिवहन की परिकल्पना सशक्त हो मिशन प्रचंड नाथ बोरहा पीढ़ियां फिकर रही प्रचंड नाथ बोरहा छोटा वाला ऑटो ये कई तरह ये बस के लिए जी बस के लिए और भी है क्या देखिए गोरखपुर में यहाँ जो अच्छा खासा संख्या में जो महिला लोग तैनात है और खासतौर पे परिवहन निगम और परिवहन विभाग दोनों लोग मिलकर के कार्यक्रम मनाया हम गर्व के बात है यहाँ का आरटीओ मैडम है वो भी महिला है वो भी तो लीड ले रही थी यहाँ गर्व की बात है बहुत सारे महिला ऑटो चालक भी रह चुके हैं और एक ऑटो चालक है जो यहाँ यानी उत्तर प्रदेश का तो पहले ऑटो चालक शायद गोरखपुर से है संगीता चौधरी इनका नाम है हम उनसे प्रेरणा लेते हैं और लड़की से भी बताएं और किसी को भी लाइसेंस चाहिए हम तो तुरंत लाइसेंस दे देंगे और ऑटो चालक के रूप से वो यहाँ कर भी सकते हैं और एक महिला से देख के दूसरे महिला प्रेरणा लेती है और महिला को ये भी बताया था कहीं तो काम करने जगह में कोई भी तकलीफ है कोई परेशानी तो तुरंत उसका आवाज़ उठाएं तो हम लोग सरकार तक पहुंचाएं ताकि किसी का भी कोई असुविधा ना हो जाए और ये महिला को आगे बढ़ाना हम सबको जिम्मेदारी है आज ये प्रेरणा सोर्स से दो तीन चीज़ हम लोग प्रारंभ किए आप देखे होंगे एक जो इनका ब्रेस्ट फीडिंग का यानी छोटे बच्चे का जो दूध पिलाने में समस्या रही है उसी के लिए जो एक जगह बनाया हम लोग किसी भी महिला का बिना संकोच को कर सकते हैं और यहाँ का जो कितने महिला कर्मचारी काम किए उन लोगों का फर्स्ट एड किट बांटे हैं फिर पिंक एक्सप्रेस हम लोग रवाना किए फिर जो कितने वाहन साधन यहाँ चलता है उसी के ऊपर एक नारी शक्ति का स्टिकर है और उस पर हेल्पलाइन नंबर सभी उस सबको हम लोग चस्पा किए हैं ये सारी चीज़ आज प्रारंभ हुआ है